यदि आप मेट्रो सिटी की भागदौड़ से दूर रहकर प्रकृति के बीच अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको हॉर्टिकल्चर में क्या क्या संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में कैसे आप अपनी करियर अपना स्थापित कर सकते हैं, विशेष रूप से आज हम आपको बताएंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। क्या फ्लोरिकल्चर में आज कैसा भविष्य है और किस तरह से इस क्षेत्र में जाकर आप अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं। नमस्कार, पत्रिका के विशेष कार्यक्रम करियर टिप्स में आपका स्वागत है। मैं शिवमणि त्यागी और हमारे साथ हैं प्रोफेसर राघवेंद्र स्वामी। प्रोफेसर राघवेंद्र, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आज हम आपसे जानना चाहेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, विशेष रूप से जो फ्लोरिकल्चर आजकल जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है और वहाँ भविष्य की अपार संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में हम विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे। बताइए किस तरह से इस क्षेत्र में जब स्टार्टिंग कैसे होगी और जब हम इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी और आजकल क्या डिमांड है इस क्षेत्र में? चूँकि आजकल चाहे वो बीटेक हो या एमबीए हो या अदर जो कोर्सेज़ हैं, जिन्हें ये भी अब सारे कोर्सेज ट्रेडिशनल में ही आने लगे हैं, बीटेक और एमबीए, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि हम ये कोर्स करें तो उसके बाद हमें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। परंतु हम एक ऐसी पहल लेकर आए हैं पत्रिका के माध्यम से कि जो बच्चे यदि सिंपल बीएससी करने के बाद, जैसे बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी बच्चा लेना नहीं चाहता है, उसे लगता है कि यदि हम ये सब्जेक्ट लेंगे तो हमें कोई ज़्यादा बेहतर हमें करियर के चांसेस हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यदि जो बच्चे जो बीएससी बॉटनी के साथ करते हैं या जो ट्वेल्थ अपना बॉटनी के साथ करते हैं, चलिए हम बातचीत ट्वेल्थ के साथ शुरू करते हैं, तो जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में बॉटनी कर रखी है और उन्हें ये लगे कि अब आगे मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो उसमें आप लोग यदि बीएससी हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं, यदि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं या उसके बाद एमएससी हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग करते हैं या एमएससी में जो अदर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशंस हैं, यदि आप उस तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर जो चांसेस हैं वो बेहतर चांसेस आपके सामने खुलते हैं। आप देखें कि चाहे हमारे यहाँ जो शादियाँ आजकल होती हैं, मैरिजेज में जो डेकोरेशन है वो लाइव फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है, जो रियल फ्लावर्स होते हैं उनकी डेकोरेशन होती है। आप यदि एक छोटा सा बुके भी लेने के लिए जाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पता है कि छोटा सा बुके भी हमें कुछ सैकड़ों रुपये का पड़ता है, तो इसका मतलब जो छोटा सा बुके कुछ सैकड़ों रुपये का पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, और यदि कहीं से आ रहा है तो उसे कोई ना कोई उस चीज़ की खेती कर रहा है, तो क्यों ना हम उसकी खेती को करें और उस खेती को करके हम भी अपने, या तो जो यदि हम गांव से संबंध रखते हैं तो हमारी खेती जो हमारा गेहूं है या हमारा धान है ये हमें ज़्यादा लाभ नहीं दे रहा है, तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, इन फ्लोरिकल्चर के माध्यम से हम अपनी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्स है उसके माध्यम से हम एक बहुत बढ़िया कमाई का साधन खड़ा कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका हिमाचल में डॉक्टर वाईएस मरवार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है, यहाँ पर कंपनी बाग है। कंपनी बाग में तो सिर्फ जानकारी और ट्रेनिंग्स मिलती हैं, यहाँ पर डिग्री कोर्स नहीं होता, लेकिन यदि हिमाचल में डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर में आप जाएं तो वहाँ पे आपको बेस्ट और बेस्ट ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में बैचलर एंड मास्टर कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैचलर एंड मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं, तो यदि आप हमारे इस पहल को और इम्पोर्टेंस देते हुए और आप इसके बारे में और ज़्यादा यदि जानकारी करेंगे तो निश्चित रूप से ट्वेल्थ के बाद आप इस फील्ड में आएं और आपके सामने बहुत से चांसेस खुलेंगे और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे और सफलतापूर्वक चला पाएंगे।